बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर लगी हूँ। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो जी रेसिपी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर जी मैंने चूल्हा जला लिया। आज मीडियम पर प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें 400 ग्राम या फिर 5 मीडियम साइज़ के चॉप प्याज हैं उनको हम डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। हल्के से सोते या ब्राउन से हो जाएंगे तब तक हमने इनको फ्राई करना है। आप प्याज अपनी मर्ज़ी की कटिंग भी कर सकते हैं, मैंने चॉप किए थे। जैसे प्याज लाइट ब्राउन हो जाए देन 3 मीडियम साइज़ के इसमें हम चॉप टमाटर ऐड करेंगे। 1-1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पाउडर आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, रेड मिर्च, धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 8 हरी मिर्ची हैं चॉप वो ऐड करेंगे। अच्छे से हम जी मसाले को भून लेंगे यहाँ तक कि टमाटर का पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल के आप इसको भून सकते हैं। तो आलमोस्ट 7 से 10 मिनट में जी मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया। तो उसके बाद 1 kg टिंडे थे उनको कट करके ऐड किया है। एक दफ़ा मसाले में अच्छे से जी हम इसको मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब पानी। अब मैंने जो है ना टिंडे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखने थे, हल्के से रसमी से रखने थे, तो इसलिए 1 गिलास ऐड किया है। अगर आपको थोड़ा शोरबा पसंद है तो आप इस पॉइंट पे ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट का प्रेशर लगाते था। 5 से 7 मिनट बाद जी हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले जी टिंडा चेक करेंगे। टिंडा जो था हमारा कुक था और मुझे इतना ही मतलब लिक्विड रखना था, यानी कि रसमी से रखने थे। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप इस पॉइंट पर फ्लेम हाई पे करके इसको ड्राई कर सकते हैं। अगर आपको शोरबे वाले पसंद है तो आप स्टार्ट में पानी ज़्यादा डाल लें। देन जी मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का और धनिया डाला था 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छे से जी मैं इसको मिक्स करूँगी। अब जी इसको प्लेट में निकालें, सर्व करें। ये रेसिपी 6 पर्सन के लिए इनफ है। होप सो टिंडे की सब्ज़ी की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।